हर हर महादेव। देखिए, कोटा राजस्थान से मनोज शर्मा जी का प्रश्न है। वे पूछ रहे हैं, कृपया त्रिपुंड का क्या अर्थ है, लगाने का सही विधान तरीका क्या क्या है, किन किन उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए, त्रिपुंड के क्या क्या प्रकार हैं, त्रिपुंड कैसे धारण करना चाहिए, इसका महत्व क्या है और न करने से क्या क्या हानि है, त्रिपुंड के बारे में आप भस्म धारण के बारे में विस्तार पूर्वक श्रवण करें। देखिए, हमारे पारस्कर गृह सूत्र में भस्म धारण करने का सूत्र है कि भस्मना ललाटे ग्रीवायाम दक्षिणेंसे हृदि च त्रायुपमिति प्रतिमंत्रम। ये सूत्र है, भस्मना माने भस्म से ललाटे ललाट पर, ग्रीवायाम दक्षिणेंसे अंश माने होता कंधा दाने अंश पर, और हृदि त्रायुखम इस ऋचा के द्वारा एक एक मंत्र से एक एक इसके भाग से भस्म धारण करना चाहिए। तो ये भस्म जो है, देखिए कह रहे हैं कि प्रातः ससलिलम भस्म, ये माध्यान्न वाजसनेही नाम आन्यक सूत्रावली है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रातः ससलिलम भस्म, प्रातः काल जो भस्म लगाए वो सलिल माने जल मिला करके लगानी चाहिए, मध्यान्न गंध मिश्रितम और मध्यान्न में चंदन मिला करके, और सायान्न निर्जलम भस्म एवं भस्म विलेपये, और सायंकाल को कुछ भी न मिला करके सूखी भस्म लगाना चाहिए। ये भस्म लगाने का तरीका है। भस्म जो है कहां से प्राप्त करें, देखिए संग्रह ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अग्निहोत्राग्निजम भस्म विरजा होमजम तथा औपासन समुत्पन्नम समिदग्नि समुद्भवम। विरजा होम होता है सन्यासी में, सन्यास ग्रहण करते हैं तो उससे होने वाले भस्म को अग्निहोत्र, जो सायं प्रातः अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र का भस्म औपासन समुद्भवम, औपासना अग्नि में जो हवन होता है उससे होने वाली भस्म है, समित अग्नि समुद्भवम, समित अग्नि से उत्पन्न होने वाले भस्म को जो है धारण करना चाहिए। फिर ये भी बताया है कि किस जो है वर्ण जाति वाला कहां की भस्म लेवे तो उसके लिए उत्तम है। कह रहे हैं कि समिदग्नि समुद्भवम धारियम भई ब्रह्मचारिणा, ब्रह्मचारी को समिदाधान जो करता है ब्रह्मचारी, तो वो समिदाधान और जो संधोक्षण करता है उससे होने वाला जो भस्म है उसको धारण करे ब्रह्मचारी, समिदग्नि समुद्भवम। और शूद्राणाम श्रोत्रियागार पचनाग्नि समुद्भवम, और शूद्र लोग भी भस्म धारण करें। वे कौन सी भस्म ले, बोले जो श्रोत्रिय ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्राह्मण है जो अग्निहोत्र करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के जो है रसोई घर में उनका जो भोजन बनता है और उसमें जो भस्म होती है वहां से वे जो है भस्म धारण करें। शूद्राणाम श्रोत्रियागार पचनाग्नि समुद्भव, जो पाचन होता है उनके यहाँ महानस रसोई में, तो वहां लिखा हुआ है कि वे लोग जो अग्निहोत्री हैं, चाहे वे सर्वाधानी है या अर्धाधानी है, तो वे पंचाग्नि कहें या त्रिताग्नि कहें या द्व्यग्नि कहें, तो वे लोग अपने अग्नि से ही और मानस में ले जाकर के अपने कुंड की अग्नि को ले जाकर के मानस में रखें और वहां फिर प्रज्वलित करें, उसी पर उनका भोजन बनता है। तो उस अग्निहोत्र करने वाले के रसोई की जो राख है
भस्म है उसको शूद्र लोग धारण करें। अन्येषापि सर्वेषाम् अन्येषाम् अपि सर्वेषाम् धारियम् दावानलोद्भवम्। दावानल जो वन में अपने आप अग्नि लग जाती है, दावमान अग्नि होता है ना, दाव माने जो है वन, अनल दाव की अनल, दावानल दव मान होता है वन, उसमें लगने वाली अग्नि को दावानल कहते हैं। तो उस दावानल की अग्नि की भस्म को सब लोग धारण कर सकते हैं। अन्येषाम् अपि सर्वेषाम् धारयम् दावानलोद्भवम्। वैसे अगर त्रिपुंड लगाना है, देखिए तो किन किन पदार्थों से त्रिपुंड लगाया जा सकता है, तो ये कह रहे हैं कि मृद भस्म चंदनम प्रोक्तम तोयम चैव चतुर्थकम, है ना, मृतिका से तीर्थों की मिट्टी से, भस्म से, चंदन से और जल से भी त्रिपुंड लगाया जा सकता है। तो इसके भेद भी बतलाएं आगे कि कहां कहां कैसी कैसी अवस्था में किस किस पदार्थ से त्रिपुंड लगाना ठीक रहता है। बोले स्नात्वा पुंड्रम मृदा कुरिया, स्नान करने के बाद तीर्थ में स्नान किया है तो तीर्थ की मिट्टी से ही जो है त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। स्नात्वा पुंड्रम मृदा कुरिया और प्रक्षाल्यैव तु भस्मना, और फिर धो पोंछ करके जब जो है संध्या वंदन करके वो लगाए तो प्रक्षालन करके फिर भस्म से त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। देवानभ्यर्च्य गंधेन, और देवताओं का पूजन करके जो देवताओं को चंदन अर्पण किया उसे बचा हुआ जो चंदन है तो फिर चंदन से त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। और जल मध्य जलेन तु, और जल में ही कोई क्रिया कर रहे हैं संध्या तर्पण आदि तो जल में रहने पर जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। जल मध्य तु जलेन च। अब त्रिपुंड का महात्म्य बतलाते हुए कहते हैं, कात्यायन मुनि का वचन है कि श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृत त्रिपुंड्रः पूतात्मा मृत्युं जयति मानवः। जो मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है इन कार्यों में, श्राद्ध में, यज्ञ में, जप में, होम में, बलि वैश्वदेव में, देवताओं के पूजन में यदि कोई त्रिपुंड धारण करता है तो धृतपुंड्रः वो त्रिपुंड धारण करने वाला पूतात्मा वो पवित्र होकर के मृत्युम जयति, मृत्यु को जीत लेता है, मृत्यु को जीत लेता है यानी मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है, फिर जो है जन्म मरण नहीं होता है। ये भस्म धारण का महात्म्य है। लिखा हुआ है कि हम लोग भी जो भस्म धारण करते हैं स्मार्त पद्धति में तो पहले ऊर्ध्वपुंड ही करते हैं, है ना, अंगुष्ठ से पहले ऊर्ध्वपुंड करें भस्म से और फिर मध्यमानामिका से जो है दो पुंड करे और अंगुष्ठ से फिर विलोम रूप से त्रिपुंड करे, ये विधान है। मध्यमा ये पूरा बताया गया, ललाटे हृदय नाभौ गलेन से बाहु संधिसु पृष्ठ देशे शिरस्येव स्थाने श्वेतेषु धारये, ये जो है बस में यहाँ धारण करना चाहिए, ललाट में, हृदय में, नाभि में, गले में, अंश माने कंधों पर और बाहु संधिसु और भुजाओं की संधियों में, कोनी के पास और पृष्ठ देशे पीठ पर, शिरसि एवं और सिर पर, इन स्थानों पर भस्म धारण करने का भी विधान है, यहां भी धारण कर सकते हैं। मध्यमा नामिका अंगुष्ठैहि अनुलोम विलोमता, मध्यमा और अनामिका से तो ऐसे अनुलोम अंगुष्ठैहि विलोमता अति स्वल्प, और ये छोटा जो है नहीं बना है त्रिपुंड जो बनाना है, अति स्वल्पम अनायुष्यम अति दीर्घम तपक्षय, और बहुत ही छोटा त्रिपुंड लगा लेते हैं कोई ऐसे ऐसे लकीर से, लकड़ी से या किसी से, तो वो ठीक नहीं है। अनायुष्यम आयु का हरण करने वाला होता है, और ज्यादा बहुत ही बड़ा त्रिपुंड लगा ले वे तो वो भी जो है तपक्षयम तपस्या का क्षय करने वाला होता है। तो वही कितना बड़ा त्रिपुंड लगाए ये भी विधान है।
और कौन किस जाति वाला कितना बड़ा त्रिपुंड लगा है, ये भी विधान है। इसको भी ध्यान पूर्वक श्रवण करें कि कितना बड़ा त्रिपुंड लगाना चाहिए। ये जो है अनेक सूत्रावली से बोल रहे हैं, लिखा हुआ नेत्र युग्म प्रमाणेन त्रिपुंडम धारयेत् द्विजः। नेत्र युग्म प्रमाणेन, दोनों नेत्र, नेत्र पर्यंत, यहां से नेत्र शुरू होते हैं यहां से लेकर के और नेत्र पर्यंत यहां तक, नेत्र यहां तक सीमा है वहां तक, प्रमाणेन त्रिपुंडम धारयेत् द्विजः, द्विज लोग यहां तक ब्राह्मण लोग इतना बड़ा त्रिपुंड धारण करें। माना कि ये जो है अगर देखा जाए तो षडंगुल प्रमाणेन ब्राह्मण नाम त्रिपुंडरकम्, नेत्रों से यहां तक ले ले या छह अंगुल नाप करके लगा ले में, ये ब्राह्मणों का त्रिपुंडर होता है। और क्षत्रियाणाम तु बोले नृपाणाम चतुरंगुल्यम, चार अंगुल का त्रिपुंडर क्षत्रिय को लगाना चाहिए इन्हीं पदार्थों से। और वैश्यानाम द्व्यंगुलम मतम, और वैश्यों के लिए दो अंगुल का त्रिपुंड होना चाहिए। शूद्राणाम अथ सर्वेशाम एकांगुल्यम त्रिपुंडरकम, शूद्रों के लिए और जो जो अनुपनीत या कोई ऐसे लोग हैं और भी सभी लोग हैं, वे सभी लोग इसमें कौन आ गए, स्त्रियां भी आ गई। अन्येषां क्योंकि ब्राह्मणों के लिए बताई दिया, क्षत्रियों के लिए बताई दिया, वैश्यों के लिए बताई दिया, अब शूद्र और सर्वेशां तो यहां स्त्रियों का ग्रहण हो जाएगा। मेकांगुल्यम त्रिपुंडरकम, एक अंगुल का बस यही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। ये जो है त्रिपुंड का विधान है। आगे कह रहे हैं जो है जो त्रिपुंड लगाया जाता है ये चंदन से भी लगता है और भस्म से तो लगता ही लगता है। ऊर्ध पुंड्रम मृदा कुरिया, परंतु ऊर्ध पुंड्र जो लगाते हैं इन संप्रदाय विशेषों में तो वे लोग केवल मिट्टी से ही लगाएं, गोपी चंदन आदि से ही लगाएं, भस्म से इससे नहीं लगाएं। तो ऊर्ध पुंड्रम मृदा कुरिया भस्मना तो त्रिपुंडरकम, त्रिपुंड्र भस्म से होता है। उभयम चंदने नहीं व अभ्यंगोत्सवरात्रिषु, और दोनों ही ऊर्ध पुंड्र और त्रिपुंड्र भस्म से हो जाता है, चंदन से हो जाता है, घिसे हुए चंदन से, केसर युक्त चंदन से, विशेष रूप से किसी उत्सव इत्यादि में चंदन से ही त्रिपुंड करना चाहिए। कह रहे धारियम भस्म त्रिपुंडरम तु ग्रहणा जल संयुतम, जो गृहस्थों को जल मिलाकर के त्रिपुंड लगाना चाहिए। सर्वकालम भवेत स्त्री नाम यती नाम जलवर्जितम, ऐसे बताया था कि जल मिला करके प्रातः काल त्रिपुंड लगाना चाहिए, अभी यार शुरुआत में बतला रहे थे। तो वो जल मिला करके त्रिपुंड कौन लगाए, गृहस्थ इत्यादि, समस्त वर्णों वाले गृहस्थ त्रिपुंड में प्रातः काल जल मिलाए, भस्म में जल मिला करके त्रिपुंड धारण करें। और लेकिन स्त्रियों के लिए और यतियों के लिए जल वर्जित है, वे सदा जब भी लगाएं तब सूखी भस्म ही लगाएं। सर्वकालम भवेत स्त्री नाम यती नाम जलवर्जितम, स्त्री नाम यती नाम तु सर्वकालम जलवर्जितम। और वानप्रस्थस्य कन्या नाम दीक्षाम हीन नृणाम तथा, इसी प्रकार वानप्रस्थों को, कन्याओं को और दीक्षाहीन मनुष्यों को जिनका अभी कोई संस्कार नहीं हुआ है, यानी यज्ञोपवीत इत्यादि जिनका नहीं हुआ है, जो व्रात्य अनुपनीत हैं, वे लोग भी जो है जल वर्जित ही भस्म धारण करें। मध्यान्हात् प्राक् जलैर्युक्तम् परतो जलवर्जितम्, और लोग जो है जो मध्यान्ह से पहले जो है जल से युक्त लगाएं और बाद में जल वर्जित लगाएं। जी और भस्म धारण करने के जो तरीके बतलाए, अभी बतलाया था कि दो अंगुलों से बीच से ऐसे कर और ऐसे कर ले, पहले ऊर्ध पुंड्र कर और फिर ऐसे करके फिर ऐसे कर ले, ये अभी मंत्र पूर्वक बतला रहे थे, ये भी विधान है। और एक मध्यम के, मध्यम की तीन अंगुलियों से, ये तो है ही अंगुष्ठ एक छोड़ दिया, एक ये हटा दिया तो बीच की तीन बची ना, इनसे भी त्रिपुंड ऐसे लग जाता है। मध्यमांगुलित्रयेणैव स्वदक्षिणकरस्य च त्रिपुंडरं धारयेत् विद्वान् सर्वकिलेशनाशकम्।
तो ये भी समस्त पापों को नाश करने वाला त्रिपुंडर है। इन बीच की तीन अंगुलियों में भस्म लगा करके, चंदन लगा करके ऐसे धारण कर लिया जाए। ये भस्म धारण करने की दूसरी विधि भी है, दूसरी प्रकार है। भस्म का विमंत्रण करना है, भस्म को किस प्रकार धारण करना है, ये सब जो है इसमें बतला दिया गया है। तो समस्त जाति वाले, समस्त वर्ण वाले और समस्त आश्रम वाले भस्म धारण कर सकते हैं। बस उनको किस तरीके से लगाना है, कितना बड़ा भस्म का जो है विस्तार करना है, ये सब उनका अलग अलग विधि का वर्णन है। जैसे कर्मकांड प्रदीप ग्रंथ है हमारा वाजसनेयियों का, तो उसमें भस्म धारण में कहते हैं, अर्थात तो भस्म त्रिपुंड धारण विधिम व्याख्या श्यामः। अब मैं भस्म से त्रिपुंड धारण करने की विधि को व्याख्यान करूंगा। तो इस समय फिर वैदिक मंत्रों का बतलाते हैं कि इस मंत्र से इतना इतना विमंत्रण किया जाए, इस मंत्र से यहाँ धारण किया जाए, इस मंत्र से यहाँ धारण किया जाए, ये भी विधि है। ये जो है विशेष जो श्रौत स्मार्थ का अनुसरण करने वाले हैं वे लोग यहाँ देखें और करें, वैदिक मंत्रों का यहाँ बोलना ठीक नहीं है। देखिए हमारी ये जो तीर रेखा है ये किस किस का प्रतीक है, इनका क्या अर्थ है, ये और समझिएगा, बड़ी विशेष बात है, ध्यान दीजिए कि कह रहे हैं कि यास प्रथमो रेखा, जो हमारी पहली रेखा है जो ऊपर त्रिपुंडर की, ये क्या है, बोले गारेह पत्यस चाकारो रजो भू लोकस्यात्म क्रिया शक्ति ऋग्वेद प्रात सवनम महादेवो देवता। ये क्या है, बोले गारह पत्य का प्रतीक है, ये गारह पत्य अग्नि, और ऐसा ध्यान करना चाहिए कि ये गारह पत्य अग्नि है। और जैसे ओंकार है तो आ उ म तीन को मिलकर के ओंकार बनता है, तो ये ऊपर की जो रेखा है वो आकार का प्रतीक है, आकार है। और हमारे यहाँ तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, तो ये रजोगुण का है, रजो और भूलोक भवरलोक और स्वरलोक तीन लोक है, तो भूलोक आत्मा और ये आत्मा है, तथा क्रिया शक्ति, तीन शक्ति है, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति, तो ये क्रिया शक्ति है ऊपर वाला क्रिया शक्ति ही, और ऋग्वेद वेद त्रय में से ये ऋग्वेद है, और प्रातः सवनम तीन सवन है, प्रातः सवन मध्यान्ह सवन सायं सवन, तो ये प्रातः सवनम और महादेवो देवता, इस ऊर्ध्व पंक्ति के ऊर्ध्व रेखा के देवता महादेव हैं। और यास द्वितीया रेखा साच दक्षिणाग्नि उकार सत्व मंतरिक्ष मंतरात्मने इच्छा शक्ति यजुर्वेदो माध्यन्दिनग्नु सवनम महेश्वरो देवता। जो मध्य रेखा है, जो बीच वाली रेखा है इसके, ये तो दक्षिणाग्नि है और उकार है, अ उ ओंकार में से उकार का स्वरूप है, और सतोगुण रूपा है ये, और अंतरिक्ष तीन लोकों में से अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, और अंतरात्मा है, वो आत्मा थी ये अंतरात्मा है, और इच्छा शक्ति ही तीन शक्तियों में से ये इच्छा शक्ति है, और इसका यजुर्वेद है, और तीन सवनों में से ये मध्यान्ह सवन है, और इसके देवता हैं महेश्वरो देवता, उसके महादेवो देवता, इसके महेश्वरो देवता, ये देवता है। और जो हमारी जो तीसरी रेखा है ये बोले यास्य तृतीया रेखा स आवनीयो मकारस तमोद्यौः परमात्मा ज्ञान शक्ति सामवेदस तृतीय सवनम शिवो देवता इति ध्यायन। तीसरी रेखा ये आवनी अग्नि है और अकार है, मकार अ उ और म ओंकार का जो मकार का स्वरूप है, और तीनों गुणों में से तमोगुण रूपा है, और तीनों जो है लोकों में से ये द्युलोक है, और परमात्मा है, ये आत्मा का जो परमात्मा स्वरूप है, और ज्ञान शक्ति है, तथा सामवेद ये सामवेद का स्वरूप है, तृतीय गुण शवनम और तीसरा सवन यानी सायंकाल का सायं सवन है,
और इसके देवता शिवो देवता, शिव देवता है। इति ध्यायन, ऐसा ध्यान करते हुए त्रिपुंडर लगाना चाहिए, ये बात सबको पता हो देना चाहिए। इसलिए इन इन भस्म का, त्रिपुंडर का इतना महत्व है, इतनी महिमा है कि अगर ये त्रिपुंडर भस्म धारण नहीं किया तो उसका किया कराया सब व्यर्थ हो जाता है। देखिए देवी भागवत में एकादश स्कंद के है ना 12वें अध्याय में 38वां श्लोक है, क्या कहते हैं भगवान वेद अभ्यास श्रीमद देवी भागवत में कि सत्यम शौचम जपो होमस तीर्थम देवादि पूजनम तस्य व्यर्थम इदम सर्वम यस त्रिपुंडरम न धारये। यह त्रिपुंडरम न धारे, जो त्रिपुंड धारण नहीं करता उसका ये सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। चाहे वो सत्य का संधान करे, सत्य बोले, शौच पवित्रता का पालन करना, जप करना, ओम करना, तीर्थ सेवन करना, देवताओं का पूजन करना, कोई भी इस प्रकार की तपस्या धार्मिक कार्य करना, वो सब व्यर्थ हो जाता है। जो यस्तु त्रिपुंडरम न धारे, जो त्रिपुंड धारण नहीं करता, इसलिए त्रिपुंड अवश्य धारण करना है, ये त्रिपुंड की महिमा है। इस तरीके से और त्रिपुंड जो धारण, जिन्होंने जिन लोगों ने किसी भी प्रकार की संप्रदाय की कोई दीक्षा नहीं ली है वे लोग त्रिपुंड धारण करें। और हमारे यहाँ ये विधान है कि सर्वप्रथम ऊर्ध पुंड करें और फिर त्रिपुंड धारण करके और त्रिपुंड लगाएं। हमें एक जो है बड़े सिद्ध महात्मा मिले थे, जो है उन्होंने बतलाया कि किसी भी संप्रदाय में कोई भी हो, संध्या वंदन करते समय तो अग्निहोत्र की भस्म, जिस प्रकार से शास्त्रों में भी बतलाया गया, आपने सुना कितने प्रमाण दे करके, जो नहीं धारण करता उसका निषेध भी बतलाया, तो किसी भी संप्रदाय में कोई भी हो तो वो बिना संध्या वंदन करे जो है वो अपने संप्रदाय का पूजन करेगा तो वो सब व्यर्थ है, अनधिकारी, अनधिकार चेष्टा है। संध्या अवश्य करनी है, और अगर संध्या करनी है तो भस्म धारण अवश्य करना है। भस्म धारण करे और भस्म धारण करने के बाद वो संध्या करे, फिर अपने देवता का जो जो इष्ट है, राम भद्र की सेवा करने वाले, भगवान श्री कृष्ण की सेवा से संबंधित और भी देवता, गणेश जी या सूर्य या गणपति जो भी जो लोग हैं, तो वे लोग फिर अपने देवता का अर्चन करें और उन देवता पे चंदन घिस करके समर्पित करें और उनसे बचा हुआ जो प्रसाद है फिर अपना संप्रदाय का त्रिपुंड लगाएं, जो भी उनका संप्रदाय का तिलक है वो लगाएं, ऊर्ध्वपुंड या जैसा जैसा जिसका जो चिन्ह है उसको धारण करें। लेकिन प्रातः काल जो है संध्या करने के, संध्या करते समय भस्म धारण अग्निहोत्रोत्थित भस्म से अवश्य ही धारण करना चाहिए। हम लोग भी पहले जो है भस्म में भी पहले त्रिपुंड है और ऊर्ध्वपुंड है और फिर त्रिपुंड है, इसमें कोई विरोध ही नहीं है। इस तरीके से ये जो है सर्वशास्त्र सिद्धांत जो निर्णीत निर्णय है भस्म धारण में या तिलक धारण में वो आपको बतलाया गया। आप किसी भी देवता से, हमारे यहां तो पंच देवताओं की उपासना है, किसी से कोई द्वेष न करके, किसी भी संप्रदाय से किसी भी प्रकार का द्वेष न करके और सब लोग अपने अपने संप्रदाय का तिलक लगाना, ये ही। और जो किसी भी संप्रदाय में दीक्षित नहीं है वे त्रिपुंड ही धारण करें। हर हर महादेव।